व्यवस्था बनाने में सहयोग दें। मंच पर खड़े सभी कार्यकर्ता बंधुओं के निवेदन है, आपके दोस्त को सलूट। अपना स्थान ग्रहण करें। ये जो कार्यकर्ता बंधु निश्चित ही आपका उत्साह वंदनीय है, पर आपसे निवेदन है कि सर अपना स्थान ग्रहण करें। कार्यकर्ता बंधु जो खड़े हैं वो सब अपना स्थान ग्रहण करें। मंच पर जो कार्यकर्ता बंधु है उनसे भी निवेदन है, मंच के सामने जो जगह है वहाँ अपना स्थान ले लेवे। आज तक की कांग्रेस की मीटिंगों में कहीं उनको देखा गया उपस्थिति देखी और न इन्होंने कांग्रेस के लिए कभी जज में भी सही हो जज में तो छोड़ी लेकिन कभी उन्होंने काम ही नहीं किया। 5 साल का जो 13 से 18 तक कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पर आकर के भाजपा प्रशासन के खिलाफ संघर्ष करता था तब यही ये कहाँ गए थे। इन्होंने 13 के अंदर भी बेगू से बागी होकर के चुनाव लड़ा और पार्टी से निष्कासित भी हुए और मात्र जमानत भी शायद बस्ते बस्ते इनकी गिर गया जमानत की जब। अब ऐसा शख्स जिसको कार्यकर्ता नहीं जानता, मेरे ख्याल से आप में से भी कहीं नहीं जानते होंगे, जिनको शहर का व्यक्ति नहीं जानता, गांव का व्यक्ति नहीं जानता, जिनको कोई भौगोलिक स्थिति पता नहीं, राजनीतिक स्थिति पता नहीं और अपने प्रभाव से अगर टिकट लियाता है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भावना के विरुद्ध, आज आपने स्थिति देखी है, आज आपने देखा निश्चित रूप से दिल्ली तक ये बात पहुंच चुकी है और मुझे उम्मीद है कि दिल्ली वालों ने अगर कोई घटनाक्रम की जानकारी ली होगी तो निश्चित रूप से जो यहाँ के पार्टी के कार्यकर्ताओं का, क्यों अभी टिकट घोषित नहीं हुआ लेकिन वो बराबर कहे जा रहे हैं तो कार्यकर्ताओं में थोड़ा गुस्सा आना स्वाभाविक है। मैं जयपुर था जब पार्टी के कार्यकर्ताओं के वीडियो मैंने देखे, पार्टी कार्यकर्ताओं के मैंने SMS देखे कि हम आत्मदाह कर लेंगे, कई कह रहा है 150, भूतपुरा के अंदर आए हम 150 लोग आत्मदाह कर लेंगे अगर आपका टिकट नहीं हुआ, एक अपने केसरपुरा के 40 लोगों का आए हम एक साथ 40 आदमी आत्महत्या करेंगे, एक का अपने गटियावली खेड़े से फोन आया कि मैं फांसी खा करके मरूंगा आज रात तक आपका टिकट नहीं आया, तो मेरा तुरंत दिल हिल गया, मैं तुरंत यहाँ पर सब कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए आ गया। न तो इन कार्यकर्ताओं को कोई तैयारी थी, ये तो कल शाम की जो एक SMS डाला कि भाई वो आ रहे हैं और आपसे संवाद करेंगे, 5,000 की संख्या में कार्यकर्ता आ गया, ये वही कार्यकर्ता जिन्होंने आज तक पोलिंग को संभाला है और पार्टी को इन्होंने संभाला है, संघर्ष इन्होंने ही किया। अन्यथा क्या होगा, मैंने आपको कहा 6 तारीख, अब आपने देखा कि मुझे बोलने नहीं दिया गया, मैं बहुत कोशिश कर रहा था क्योंकि मैं पार्टी लाइन का आदमी हूँ, मेरी उम्र जो है 69 साल हो गई है, मैंने कभी जिंदगी में कभी पार्टी के नीतियों निर्देशों का और लोगों तक अवेल ना कर लियो लेकिन मैं अक्षर पालन करने वाला व्यक्ति हूँ, अनुशासित व्यक्ति हूँ और हमने चित्तौड़ के कार्यकर्ताओं को भी बहुत अनुशासित ही रखा है, पार्टी से कभी इन कार्यकर्ताओं ने कभी खिलाफत नहीं की। लेकिन ये विधानसभा का चुनाव जब हम लोग एक पंचायत समिति वार्ड के अंदर भी कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप टिकट देते हैं तो जब विधानसभा के अंदर ऐसा नाम आया उससे आक्रोशित होना उनका वाजिब था। अब कार्यकर्ता
से आगे ना तो पार्टी है, मैंने इनको निवेदन किया 6 तारीख को 1 बजे तक जो है हम पार्टी के निर्णय का इंतजार करेंगे। उसके बाद जो पार्टी के कार्यकर्ता भी आपने ऐलान कर दिया सब इकट्ठे होंगे, फिर वो जो निर्णय करेंगे। मुझे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो हमेशा संभाला है, मैंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को हमेशा संभाला है, और भविष्य में हमको कांग्रेस की सरकार जो है 2023 के अंदर बनानी है, और इस बार रिवाज बदलना है, और रिवाज बदल करके हमको बस कांग्रेस बनाने जा रहे हैं। इसमें चित्तौड़ के साथ किसी तरीके का गलत निर्णय नहीं होगा, और जब से हर हालत के अंदर कांग्रेस पार्टी का सिंबल जो है कार्यकर्ताओं की जो भावना उसके अनुरूप आएगा, और उसके बाद भी अगर नहीं होता कोई निर्णय तो 1-3 बजे तक हमारा आखिरी है नॉमिनेशन का, हम इंतजार करेंगे 1 बजे तक। 1 बजे के बाद अगर नहीं आता है तो फिर जैसा पार्टी का कार्यकर्ता कहेगा वैसा हमको निर्णय करना है।